था जब मेरा बच्चा फर्स्ट मई को जब डिलीवर हुआ तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई, यानी कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, जो कि मुझे अभी तक नहीं पता है वो क्या है। जिस डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया उसने बस यही कहा कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सामने आई। कि अगर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों? सेम टेस्ट है, वो रिपोर्टें कैसे बदल गई? हम डॉक्टर अमिता गुप्ता से मिलके आए हैं अंदर, जब हमने अपनी पूरी बात उसके सामने रखी जो तो उसका वो मुझे हंस हंस के जवाब दे रही हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं कोई वो मैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसके बाद आपने बोला कि डीएनसी करनी है, चलो ठीक है ना, मैंने क्या तुम्हें दवाई दी है ना, क्या बोला साथ क्यों ठीक है मैम, डीएनसी करके भी अब दोबारा अबॉर्शन करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉब्लम इतनी जल्दी अबॉर्शन क्या मैम, ए मतलब इतने कम समय में दो अबॉर्शन करना अच्छी बात है? पूछ क्या बोला था कल? हां 16,000 की बात नहीं है, दो अबॉर्शन करके खत्म खराब नहीं होगा? पूछ कैसे, दो क्या बोला था वो भी पूछना, बताओ ना। ठीक है बस चलो जी, क्या हुआ? देखिए अभी हम डॉक्टर अमिता गुप्ता से मिलके आए हैं अंदर, जब हमने अपनी पूरी बात उसके सामने रखी जो तो उसका वो मुझे हंस हंस के जवाब दे रही हैं कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अगर ऐसा हो गया तो मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, मैं कोई वो मैं मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, अगर आपका बच्चा ऐसा हो गया, ये आपका बच्चा है, आपने इसको पालना है, आप जैसे मर्जी पालिए, ये आपकी जिम्मेवारी है। और वो जिस एटीट्यूड से बात कर रही है उसके चेहरे के ऊपर इतनी बड़ी स्माइल है उसके चेहरे के ऊपर, हंस हंस के वो बातें कर रही है कि तुम्हारा बच्चा है, तुमने इसको देखना है, तुमने ही इसकी केयर करनी है, आपको सब देखना पड़ेगा, इसी तरह से मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैंने बच्चा देना था आपको, मैंने दे दिया, बस इतना ही बोला उसने। और पूरा मामला क्या हुआ? पूरा मामला ये है कि मेरा मैं सुविधा में प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ से लेके एंडिंग मंथ तक यहाँ पे ही दिखाती आई हूँ, ठीक है, पहले महीने से लेके आखिरी महीने तक, तो मेरा ये टेस्ट हुआ था, एक जो डाउन सिंड्रोम का टेस्ट होता है, ये प्रेगनेंसी के 4th से 5th मंथ के आसपास टेस्ट होता है, जब वो टेस्ट हुआ मेरा परफॉर्म, ठीक है, तो मेरा जो रिपोर्ट आई वो नेगेटिव रिपोर्ट आई। जब नेगेटिव रिपोर्ट आई तो हम ऐसा कुछ गलत स्टेप क्यों लेंगे? ठीक है, जब नेगेटिव रिपोर्ट आई और जब मेरा बच्चा फर्स्ट मई को जब डिलीवर हुआ तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट जो आई वो पॉजिटिव आई, यानी कि वो डाउन सिंड्रोम बच्चा है, उसके अंदर कोई एबनॉर्मेलिटी है जो कि मुझे अभी तक नहीं पता है वो क्या है। जिस डॉक्टर से हमने कंसल्ट किया उसने बस यही कहा कि जैसे जैसे ये ग्रो करेगा इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो सामने आई। सवाल मेरा सिर्फ इतना सा ही है कि अगर मेरी प्रेगनेंसी के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आई थी तो मेरे बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों? सेम टेस्ट है, वो जब बच्चा बाहर निकला तब उसका टेस्ट हुआ, जब वो बच्चा पेट के अंदर था तब वो मेरा टेस्ट हुआ, तो रिपोर्टें कैसे बदल गई? बच्चा जब पूरा का पूरा फॉर्म में होता है, 4th से 5वें महीने में बच्चा है, ये नहीं है कि बच्चा बाद में बना या ऐसा कुछ है, तो वो रिपोर्ट नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे होगी? आज जब उसको पूछने के लिए जाते हैं कि ऐसा क्यों, और वो हंस हंस के हमसे जवाब बात कर रही है कि मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मेरा टेस्ट कराना फ़र्ज़ था, मैंने वो करवाया। जब तुम्हारा टेस्ट करवाना फ़र्ज़ था, जब तुमने टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव देख ली, तो आज ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई है? यही मुद्दा है, मैं यही जानना चाहती हूँ। मैं इस दर्द से तड़प रही हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ कि मैं उसके बाद जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए, अल्ट्रासाउंड में नेसल बोन आती है, उन बच्चों की थोड़ी नेसल बोन फ्लैट होती है, न्यूट्रल थिकनेस होती है, वो सब अल्ट्रासाउंड में सारी की सारी रिपोर्टें सही हैं। पहले महीने से लेके 8वें महीने तक की जितनी रिपोर्टें हैं वो सब सही है। 8वें महीने ने इन्होंने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे इमिडिएटली बच्चा डिलीवर करने के लिए बोला। सारे टेस्ट यहीं पे हुए हैं, कोई हमने बाहर से अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, कोई हमने टेस्ट बाहर से परफॉर्म नहीं किया, जो इनके अंदर की लेबोरेटरी है वहीं से टेस्ट हुआ, वहीं पे इनके अल्ट्रासाउंड हुए। आज जब हमने अल्ट्रासाउंड वाले के लिए भी बोला कि अल्ट्रासाउंड में फिर ऐसा क्यों नहीं आया अगर आप जिम्मेवार नहीं हो, तो तब कहती है कि जाके अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर को पूछो, मैं इसका जवाब नहीं दे सकती और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगी। अल्ट्रासाउंड हमने कोई बाहर से नहीं कराया था, अल्ट्रासाउंड हमने जो इन्होंने अंदर डॉक्टर बिठाया हुआ है हमने उसी से करवाया था, कोई बाहर से अल्ट्रासाउंड नहीं करवा के आए हैं। जो इसकी अब अल्ट्रासाउंड की जिम्मेवारी ये नहीं लेती, डाउन सिंड्रोम के टेस्ट की ये जिम्मेवारी नहीं लेती, बच्चे का जो पॉजिटिव टेस्ट आया उसकी जिम्मेवारी नहीं लेती, तो ये किसकी जिम्मेवारी लेती है? सिर्फ पैसा कमाने की? मैं ये डिमांड करती हूँ या तो इस नर्सिंग होम को बंद किया जाए, कि आज अगर मैं इस तरह से तड़प रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी तरह कोई और माँ इस तरह से तड़पे,
कितनी बच्चे में वो है वो मैं नहीं जानती हूँ, कितनी मुश्किल उसकी लाइफ होगी वो भी मैं नहीं जानती हूँ। लगता है कि हम लोग गलती करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, बिल्कुल सही। अब तो यही लग रहा है कि हमने ये सोचा, रिप्यूटेड डॉक्टर्स हैं, अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं गलत, हमने यही सोचा कि हमारे घर के पास है, हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाके दिखा लेंगे, टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो सब उल्टा ही हो गया, सब उल्टा हो गया। मतलब इन्होंने तो हमारी, मेरी भी लाइफ तबाह कर दी, हम पूरी फैमिली इतनी डिस्टर्ब्ड है, और सबसे बड़ी मेरे बच्चे की लाइफ तबाह कर दी इन लोगों ने, इन डॉक्टर्स की वजह से। उन्होंने बोला बच्चे की हेल्थ थोड़ी सी ना चाइनीज है, बस इसके अलावा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कोई बात नहीं, और बच्चा चाइनीज हो जाएगा एक फैमिली तो मैं क्या हो गया, हमने उसको मजाक में लिया। डॉक्टर आपकी बोल रही है, आपकी सीनियर बोल रही है, उसके बाद आपने बोला कि डीएनसी करनी है। नहीं तो हमने दोनों ऑप्शन दिए, दोनों ऑप्शन दिए, बट हमने किसी से सुना था कि ये किट खाने से हमारा ठीक है ना। मैंने क्या तुम्हें दवाई दी है ना, क्या बोला साथ क्यों ठीक है मैम, डीएनसी करके भी अब दोबारा अबॉर्शन करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉब्लम इतनी जल्दी क्या मैम, मतलब इतने कम समय में दो अबॉर्शन करना अच्छी बात है? तो मैंने कौन सी की करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर पीस रह गया है। तो कोई बात नहीं, निकल भी सकता है। कोई बात क्यों नहीं मैम, किसी ने अल्ट्रासाउंड अगर मैं नहीं करती फिर रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर मैं नहीं करती आपके पास नहीं आती, हम भी ऐसे रहते हैं। वो शूट ही नहीं करी इतनी बुरी आप। कोई बात नहीं, हम है ना यार इधर, ये है, ये है, बोला कोई बात नहीं, ये है यहाँ पर। इधर नहीं आना, नहीं दिखाना, किसी और डॉक्टर को दिखा लेना, इधर नहीं आना। मतलब आपने पहले अबॉर्शन यहाँ से करवाया, 16,000 खर्चा किसी शाबाश। क्या हो गया इसमें, हम दोबारा फ्री में कर देंगे आपका, बट हमारी जान तो जाएगी दो दो बार अबॉर्शन करने लगी ना, तभी तो की ना मैम, अंदर पीस तो रह गया। अगर मैं नहीं चेक करवाती इससे आपको पता कितना जहर फैलता है। कुछ नहीं होता, वॉशिंग यहाँ हुआ पहला आपकी ना, एक मैम एक बार बोल शो चलिया बस बंद हो गया ना, कोई गल नहीं अगर है ना लीगल क्या होता है, लीगल करेंगे हम। मुझे बच्चे का बताइए उसका क्या करना है।